कि आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज फ्रेंकी रोल, जो बहुत ही टेस्टी है और यम्मी होते हैं। एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए। हमारे फ्रेंकी रोल की सामग्री देख लेते हैं। उसके लिए हमने लिया है 2 कप मैदा। आप चाहें तो इसको आटे में भी बना सकते हैं या हाफ मैदा और हाफ आटा ले सकते हैं। हमने मैदा लिया है। 5 से 6 बड़े आलू ले लिए हैं, जिन्हें हमने उबाल कर अच्छे से मिक्स कर लिया है। और उसकी सब्जी बनाने के लिए हमने लहसुन ली 4 से 5 कली, जिन्हें क्रश कर ली। हरी मिर्च, इसी का हम सिरके वाली मिर्ची का पानी भी बनाएंगे इसी से। नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च 2 टीस्पून, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1.5 चाट मसाला, थोड़ा सा हरा धनिया। इसके लिए हमें चाहिए हरी चटनी, अगर आप चाहें तो लें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। विनेगर और ऑयल। फ्रेंकी मसाला बनाने के लिए हमने कुछ खड़े मसाले और कुछ पिसे मसाले लिए हैं, जो मैं आपको दिखाई देती हूँ। 1 टीस्पून जीरा, 4 से 5 हमारी खड़ी लाल मिर्च, अगर आप पे ना हो तो मसाला भी चलेगा लाल मिर्च का पाउडर। धनिया के बीज, काली मिर्ची, नमक टेस्ट के अनुसार, थोड़ी सी हल्दी, अमचूर पाउडर और हींग। गैस ऑन करके उसमें हम कढ़ाई रखेंगे। उसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून ऑयल। ऑयल को गर्म होने दें। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे सबसे पहले हमारी हींग, जीरा। ये मसाला बहुत ही अच्छा होता है स्वाद में। अगर आपके पास रखा हो तो आप ना बनाएं, सीधे रोल बनाना शुरू कर दें। पर एक बार हम इसको बना के आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर कभी घर में ना हो तो इस तरीके से आप फ्रेंकी मसाला बना सकते हैं। धनिया, लाल मिर्च खड़ी और काली मिर्ची, जीरा, ये सब अब अच्छे से हम थोड़ी देर चला लेते हैं, फिर हम इसे पीसेंगे। अब ये सब अच्छे से सिक गया है। अब इसको गैस बंद करके ठंडा होने दें। अब हम इन्हें पीस लेंगे मिक्सर में ठंडा होने के बाद। जब तक हमारा फ्रेंकी मसाले का खड़ा मसाला ठंडा हो रहा है, तब तक हम हमारी सिरके वाली मिर्ची बना के रख लेते हैं, जो उसको थोड़ी देर रखना पड़ता है। उसके लिए हमने लिया है विनेगर, लेंगे 3 चम्मच विनेगर। इसमें हम डालेंगे नमक, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हरी मिर्ची। ये हो गई हमारी सिरके वाली हरी मिर्ची। इसको आप थोड़ी देर ऐसे ही मिला के और रख दीजिए। ये अब हमको चाहिए सबसे लास्ट में, जब हम रोल बनाएंगे इसको मिला के रख दीजिए एक तरफ। अब हम हमारा मसाला पीस लेते हैं। ये हमारा मसाला ठंडा हुआ है, इसमें हम डालेंगे अमचूर पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और नमक। लाल मिर्च हम नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमने खड़ी ली है। अब इनको हम पीस लेंगे। ये हमारा मसाला बन के तैयार है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपके पास मार्केट का रखा हो तो आप इसे ना बनाएं। अब हम हमारा पहले आटा लगा लेते हैं, जिससे हम इसको रेस्ट करने रख देंगे थोड़ी देर। उसके बाद हम हमारा आलू का मसाला बनाएंगे। इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक। अभी ऑयल नहीं डालेंगे, ऑयल हम लगाएंगे इसमें आटा लगाने के बाद में, जब इसको रेस्ट करने रखेंगे। पहले ऑयल डालते हैं तो खस्ता होते हैं और बाद में ऑयल लगाते हैं तो नरम बनते हैं। हमें अभी सिर्फ इसको हम पानी से गूंथ लेंगे। हमें नरम आटा लगाना है, जैसे हम रोटी के लिए लगाते हैं हमारे। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे, एक साथ ना डालें, नहीं तो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा आटा। ये हमारा आटा लग चुका है, थोड़ा नरम ही रखा है हमने। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। इसमें आप ऑयल लगा के इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे, जब तक हम हमारा आलू का मसाला बनाते हैं। गैस ऑन करके हम हमारी वही वाली कढ़ाई वापस रख लेंगे, जिसमें हमने अभी मसाला फ्राई किया था, रोस्ट करने रखा था जिसमें मसाला। और 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे इसमें। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम
मैंने कद्दूकस कर ली हूँ। आप इसमें अदरक भी डाल सकते हैं और हरी मिर्च, इनको अच्छे से पका लें। इनको ज़्यादा ना सेकें, थोड़ा थोड़ा कच्चा ही रहने दें। अब इसमें हम डालेंगे हमारे आलू, हमें आलू का मसाला बनाना है। बस लहसुन का कच्चा बन चला जाए इतना से ही हमको उसमें देखना था। अब आलू के साथ ही हम डाल देंगे हमारे मसाले, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च, हल्दी, चाट मसाला, नमक, इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं ये फ्रेंची रोल। आप इनको लंच में रख सकते हैं या कभी भी बना के उनको खिला सकते हैं। तो हमारा मसाला अच्छे से बन गया है, देखिए आलू में सारे मसाले मिल चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी धनिया पत्ती, और इन्हें भी अच्छे से मिला देंगे। हमारा आटा देख लेते हैं, देखिए अच्छे से सेट हो गया है। इसको अच्छे से हाथों से मसल के अब इसकी हम लोइयां तोड़ लेंगे। देखिए हमारा आटा अच्छे से सेट हो गया है, अब इसकी हम लोइयां तोड़ लेंगे जितनी बड़ी बनानी है आपको, और हम पतली रोटी बनाएंगे। अब थोड़ी बड़ी चाहिए और थोड़ी पतली, इसको आप थोड़ा सा सूखा आटा लगा के अब बेल लें, इसको अच्छे से बेल जाएगा क्योंकि हमारा आटा अच्छा सेट हो गया है। इसलिए ये हमने बेल के रख ली हैं, अब हम इनको तवे पे सेकेंगे। पर ये अभी हम इन्हें पूरा नहीं सेकेंगे, सिर्फ हाफ सेकेंगे, हाफ हम सेकेंगे जब रोल बनाएंगे तब। अब गैस ऑन करके एक तवा रख लीजिए आप, उस पर हम डाल लेंगे थोड़ा सा ऑयल, इसको फैला दीजिए, तो ब्रश से फैला दीजिए। इस पर हम डालेंगे हमारी चपाती, ऐसे हम हमारी सारे चपातियां सेक के रख लेंगे हाफ हाफ। अब ये देखिए इसमें बबल आ गए हैं, अच्छे से वाइट भी हो गई है। इनको बस ऐसे हाफ हाफ सेक के एक तरफ हम रखते जाएंगे और ऐसे ही हम हमारी सारी रोटियां सेक लेंगे। अब हमारी देखिए ये हमने रोल सेक के रख लिए हैं चपाती में, देखिए इनको हाफ ही सेका है अभी हमने। अब हम उसी तवे पे ये आलू के आप लंबे लंबे कबाब जैसे या कटलेट जो भी आप साइज चाहते हो ऐसे बना के और उसी तवे पे इनको भी थोड़ा सा सेक लेंगे हम दोनों तरफ से। हाँ अभी हमारे आलू भी अच्छे से दोनों तरफ से हमने सेक लेंगे, इन्हें निकाल लेंगे हम। और इसी तवे पे अब हम हमारे जो हमने आधी आधी चपाती सेकी थी मैं देखी उनको थोड़ा सा बटर डाल के अच्छे से दोनों तरफ से सेक लें। बटर के साथ थोड़ा सा ऑयल डालें जिससे कि हमारा बटर जले नहीं, हमारी चपातियाँ उनको अच्छे से सेक लें। अब हमारी चपातियाँ भी हमने अच्छे से सेक ली हैं, हमारा मसाला भी तैयार है, फ्रेंकी मसाला भी तैयार है, सिरके वाली मिर्ची भी हमारी तैयार है, हरी चटनी भी तैयार है, चीज़ भी तैयार है, और बारीक प्याज भी हमने काट लिया है, और आलू के कबाब भी। अब हम रोल बनाते हैं। अब चपाती रख लेंगे हम सबसे पहले, उसमें हम रखेंगे हमारा आलू का मसाला, इसके ऊपर डालेंगे हम हमारी सिरके वाली मिर्ची, पानी भी और थोड़ी सी मिर्ची भी। अगर आप तेज खाते हैं मिर्ची तो इसमें ज़्यादा कर सकते हैं, मैं बच्चों का बना रही हूँ तो कम करिए। ऊपर से डालेंगे हम बारीक प्याज, बारीक प्याज भी, और हमारा मसाला जो हमने बनाया है उसके ऊपर डालेंगे हम हमारी चटनी,
अगर आप चाहें तो चटनी स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा घी, बच्चों को बहुत ही पसंद होता है, एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए। और थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें डालेंगे ओरिगेनो डाल देंगे हम थोड़ा सा इसमें। और अब इसको हम कर देंगे रोल। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब इसको आप नीचे से एल्युमिनियम फॉइल या टिश्यू पेपर से बंद कर दीजिए। आपके फ्रेंकी रोल तैयार हैं, देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।